स्वागत है आप सभी का, मैं हूं जब्बार खान। वांटेड में आज फिर आपके सामने एक ऐसी नई कहानी के साथ आया हूं जो अपराध से जुड़ी ये कहानी एक प्लेन हाईजैक की है, जिसमें आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता भी थे। ये संयोग देखिए, एस जयशंकर उस वक्त उस टीम का हिस्सा थे जिसको आतंकवादियों से बात करने के लिए और इस हाईजैक से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 40 साल पहले हुई इस प्लेन हाईजैक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता उस प्लेन में हैं, इस बात की जानकारी एस जयशंकर को उस वक्त मिली जब वो समस्या से निपटने वाली टीम का हिस्सा बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इस बात का खुलासा किया और इस खुलासे के बाद 4 दशक पुराने उस हाईजैक की कहानी फिर से चर्चा में आ गई। एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया, वो कहते हैं कि 1984 में बतौर अधिकारी में हाईजैक हुए विमान से निपटने वाली टीम का हिस्सा था। फिर कुछ घंटों बाद जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया कि विमान के हाईजैक होने की वजह से मैं घर नहीं आ सकता, तब मुझे पता चला कि मेरे पिता भी उसी विमान में सवार थे। विदेश मंत्री के पिता के सुब्रमण्यम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के विश्लेषक और पत्रकार थे, हाईजैकर्स विमान को अमेरिका ले जाना चाहते थे, लेकिन ये लाहौर, कराची और दुबई तक चक्कर लगाता रहा प्लेन। बात 24 अगस्त 1984 के की है, जब इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC421 में सवार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि AISSF से जुड़े कुछ सिख लोगों ने विमान में टाइम बम रखने होने की बात कहते हुए उसे हाईजैक कर लिया। कुल 122 लोग विमान में सवार थे, 67 यात्री चंडीगढ़ उतर गए और 31 यात्री श्रीनगर जाने के लिए सवार हुए। यह हाईजैकर सिख थे जिनकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी। वो कॉकपिट में घुस गए और कैप्टन वे के मेहता से विमान का कंट्रोल वो छीन लेते हैं। विमान को चंडीगढ़ से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद में सुबह 7:30 पर हाईजैक कर लेते हैं। दिल्ली के पालम से चंडीगढ़ होते हुए श्रीनगर के लिए विमान उड़ा था। इस विमान में सिविल सर्वेंट के सुब्रमण्यम भी सवार थे, जो वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता थे। हाईजैकर्स ने शुरुआत में विमान को भारत से बहुत दूर संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने की मांग कर दी। बाद में उन्होंने विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतरवाया। लाहौर में विमान करीब 80 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाता रहा, लेकिन विमान में फ्यूल खत्म होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुबह 9:50 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। इस दौरान हाईजैकर्स ने यह भी दावा किया कि उनके पास में विमान को उड़ाने के लिए पर्याप्त विस्फोटक हैं। उनकी ओर से विमान में फ्यूल भरे जाने तक हर 15 मिनट में 74 यात्रियों में से एक एक को मारने की धमकियां भी दी जाने लगी। विमान में सवार 5 यात्रियों को शाम 7 लाहौर में छोड़ दिया गया। फिर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से विमान में ईंधन भरने और फिर उड़ान भरने की इजाजत दी गई। इसके बाद में अपहरित विमान ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी, जहां हाईजैकर्स ने ब्रिटिश पासपोर्ट वाली 2 महिलाओं को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार हो गई। हालांकि हाईजैकर्स कराची की जगह बहरीन जाना चाहते थे, लेकिन मौसम की वजह से विमान को कराची ले जाना पड़ा। कराची पहुंचे विमान में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाईजैकर्स की मांग और फ्यूल को पूरा किया। फिर हाईजैकर्स इस विमान को दुबई ले गए। एयर इंडिया का ये विमान अब दुबई में था। अगले दिन सुबह 8 संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यात्रियों की सकुशल रिहाई और सभी हाईजैकर्स को यूएई अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए वो बातचीत करते हैं। इस बीच में वक्त हो जाता है दोपहर का 1:45। रक्षा मंत्री शेख रशीद के बारे में अनुरोध के बाद हाईजैकर्स ने आखिर में बंधकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी। इससे पहले हाईजैकर्स खाना और पानी लौटा दिया करते थे विमान में, जो भी खाना पानी आ रहा था। यूएई अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान हाईजैकर्स ने सुरक्षित अमेरिका पहुंचने और उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए मांग की, लेकिन दुबई स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से कहा गया कि अगर वो अमेरिका जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच दुबई के अधिकारी भारतीय अधिकारियों के साथ में हाईजैकर्स से बातचीत में लगे हुए थे। हाईजैकर्स ने सुब्रमण्यम के जरिए बताने को मजबूर किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई
तो हर आधे घंटे में एक बंधक को मारना शुरू कर देंगे। हाईजेकर्स के साथ बातचीत के दौरान दोपहर 12:30 बजे विमान में 2 एम्बुलेंस भी भेजी गई, क्योंकि दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक के सुब्रमण्यम ने शिकायत की कि उन्हें डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत है। यह एम्बुलेंस में इंसुलिन की खुराक दिए जाने के बाद में सुब्रमण्यम और उनके साथ मौजूद हाईजेकर्स विमान में लौट आए। विमान के हाईजेक हुए अब तक 36 घंटे बीत चुके हैं। हाईजेकर्स और भारतीय अधिकारियों के बीच में मंत्रियों को सुरक्षित छोड़े जाने को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। कई दौर की बातचीत के बाद देर शाम 6:50 पर दुबई पुलिस के फोन के चीफ ने, दरअसल दुबई पुलिस के चीफ ने यह घोषणा की कि हाईजेकर्स ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अपहरण के करीब 36 घंटे बाद दुबई में सभी शेष यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। बातचीत के दौरान दुबई के अधिकारियों ने हाईजेकर्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भेजे जाने से पहले 7 दिन की शरण देने का वादा भी किया, लेकिन बाद में उनके सामने 2 विकल्प रखे गए। पहला ये कि भारत प्रत्यर्पित किया जाना, दूसरा यूए कानून के तहत हवाई चोरी के लिए मुकदमा चलाना। बाद में हाईजेकर्स को भारत भेज दिया गया। इन सिख आतंकवादियों को 3 सितंबर 1984 को नई दिल्ली लाया गया। मामले की सुनवाई राजस्थान के अजमेर शहर में हुई और ये 9 साल तक चली। अजमेर की एक जेल के अंदर बनाए गए स्पेशल कोर्ट में अप्रैल 1993 में 7 आरोपियों को सजा सुनाई गई। उन सभी को दोषी ठहराए जाने के 1 महीने के अंदर ही आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई।